खास तारीख हो चुकी 16 जनवरी 2022। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं नेशनल क्रिकेट, एक बार फिर से आपका नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स आईपीएल 2022 के रिगार्डिंग आईपीएल की दो नई फ्रेंचाइजियों ने आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले 3 खिलाड़ियों को कर लिया है प्रीपिक। वहीं दोनों ही टीमों ने कोचिंग स्टाफ भी तय कर लिया है, कौन होने वाला है कप्तान और कौन होंगे 3 खिलाड़ी और कोचिंग, सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग, आप भी हैं क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैन तो प्लीज माय यूट्यूब चैनल नेशनल क्रिकेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली क्रिकेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बीसीसीआई की ओर से लेटर ऑफ इंटेंट मिलते ही लखनऊ टीम आईपीएल नीलामी के लिए तैयारियों में जोरों से जुट गई है। इन्होंने अपना हेड कोच जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को चुना है, वही मेंटोर के रूप में गौतम गंभीर को चुन लिया है, वही कप्तान के रूप में टीम इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल T20 बल्लेबाज के एल राहुल को चुना है, जो कि बेहतरीन लीडिंग करते हैं टीम की और एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है लखनऊ टीम के लिए है। वही मार्कस स्टोइनिस, जो कि दिल्ली कैपिटल की ओर से खेलते थे, T20 के बेहतरीन ऑलराउंडर बल्लेबाज हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हैं। मिडल ऑर्डर ओपनर कहीं पर भी बल्लेबाजी करवा लीजिए, बेहतरीन खिलाड़ी इन्होंने पिक किया है मेगा ऑक्शन से पहले। इस बात करें तीसरे नंबर पर ट्रिप पिक किया है रवि बिश्नोई की, जो कि बेहतरीन लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं। कुल मिलाकर आईपीएल नीलामी से पहले लखनऊ की टीम कप्तान, कोचिज और एक स्पिनर और एक बेहतरीन ऑलराउंडर के साथ बेहतरीन कप्तान को नियुक्त कर चुकी है। वहीं बात करें आईपीएल की दूसरी नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद को भी बीसीसीआई की ओर से लेटर ऑफ इंटेंट मिलते ही आईपीएल नीलामी से पहले अपना मजबूत स्क्वाड बनाने में जुट गई है। वह डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के रूप में विक्रम सोलंकी, वहीं टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आशीष नेहरा को हेड कोच बनाया है, वहीं टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी कस्टन को इन्होंने मेंटोर के रूप में रखा है, वहीं मुंबई इंडियंस के बेहतरीन ऑलराउंडर को इस टीम ने अपना कप्तान नियुक्त किया है। हार्दिक पांड्या को अहमदाबाद फ्रेंचाइजी ने कप्तान बनाकर बहुत ही बेहतरीन फैसला लिया है, वहीं टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज और मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने वाले ओपन बल्लेबाज ईशान किशन को इस टीम ने प्री पिक कर लिया है, जो कि बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते हैं आईपीएल में। वहीं दुनिया के नंबर 1 T20 बॉलर, जो कि दुनिया की अलग अलग लीग्स में जाकर खेलते हैं, दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है राशिद खान को इन्होंने स्पिन गेंदबाज के रूप में तीसरे खिलाड़ी के रूप में प्रिपिक किया है, जो कि बेहतरीन ऑप्शन साबित होने वाले अहमदाबाद फ्रेंचाइजी के लिए। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।